सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानता है, वरना औरों की नजर में आप सिर्फ किस्मत वाली हैं। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2020, दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:59 से 4:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 27 अक्टूबर 2020, दिन मंगलवार। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। अच्छा, आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपने सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगी। पिछले कुछ समय से आप अपने आंतरिक ऊर्जा को पहचानने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसकी वजह से आपके व्यक्तित्व व स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। दूसरों के दुख दर्द व तकलीफ में उनकी सहायता के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा परिवार व समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा। दिन के शुरुआत से ही माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार और रिश्तेदारों के साथ बिताया वक्त मन को प्रसन्नता देगा। काफी दिनों के बाद काम की चिंता को भुलाकर जीवन का आनंद लेने में आप व्यस्त रहेंगी। बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने की आपकी कोशिश सफल रहेगी। काम के मिल रहे अवसर को सोच समझकर हाँ बोली। विवाहित लोगों को वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होगा। कंधों की तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, अगर प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित लोन लेने का प्लान बन रहा है तो आज उसे स्थगित करना ही उचित रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर इस कार्य के लिए आपके पक्ष में नहीं है। आकस्मिक खर्च भी आ सकते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। लव लाइफ की बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपके रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा। आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ताना अंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव गंभीरताओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थिति अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होगी और आज के दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर
तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। बात करते हैं सेहत की। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाही रहते हैं, लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।